अपने बेटे की गांजे की लत छुड़ाने के लिए एसपी से मदद मांगने जब एक महिला उनके बंगले पर पहुंची तो एसपी मदद करने के लिए महिला के घर पहुंच गए। दरअसल हरिबाई नाम की महिला अपने बेटे की गांजा पीने की लत से परेशान थी। उसने गांजा की लत छुड़वाने की कोशिश की पर सफल न होने पर थक हार कर एसपी के बंगले पहुंची। एसपी ने महिला की बात इत्मीनान से सुनी और उसके महिला के बेटे को समझाने उसके घर पहुंच गए, जिसके बाद हर कोई एसपी की तारीफ कर रहा है। एसपी साहब के बंगला पे आई, एक बार और तय गई थी आवेदन। मैंने कही जब भी कछु सुनवाए नहीं भाई तो फिर जाऊं। पूरा घर परेशान है, गाड़ी गुप्तार करे, रात के नीचे लड़ पड़ो, पंडित जी मारो गर्दन पकड़ ली थी। बेचारे बिन्ने रिपोर्ट मपोर्ट नहीं करी हमरे मार। अब जब हम देखो कितनी 3-4 साल हो गए जब से हम जाके सबर कर रहा है, मोड़ों की गर्दन पकड़ ले, 10 दे दे 20 दे दे, नहीं दे तो बस बाको हर का सामान मिल जाए बाहर, वो बेच देते, गेट बेच दो, बान है सब परसू भी कबाड़ मिल जाए, बच नहीं सके बाकी मार। इतना परेशान पापा सवेर के लो चुपचाप खड़े रहे, इनके लो यहाँ से उठा के वहाँ फेंक दूँ। ये रायसेन शहर की एक महिला है हीराबाई, ये अपने बेटे पिंटू के लगातार गांजा पीने के कारण बहुत परेशान है। इनका ये कहना था कि पिछले 4 साल से इनका बेटा गांजा पीकर घर में मारपीट करता है, घर का सारा सामान बेच देता है, मोहल्ले पड़ोस के लोग भी परेशान हैं। इन्होंने इसे नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा था, लेकिन कुछ समय तक ठीक रहा है, इसके बाद में फिर से इन्होंने पीना शुरू कर दिया, इसके कारण पूरा घर परेशान है।